दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर की तरफ से मैं आज अजमेर के सभी शहरवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। मैं अनुज अग्रवाल, अजमेर तनिष शोरूम से। अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। MD मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे पीछे करने भाई, देख क्या रहे हैं? मैडम छोड़िए, मैडम छोड़ो, मैडम प्लीज छोड़ो, प्लीज। ये देनी पड़ती है। आगे वालों को मैं बोल दूंगी जब हटाओगे। अरे सामने को पहले डालो ना, पता नहीं क्या पूछ रहा, तुम्हारी बात में कहीं नहीं है। अभी चूंकि दीपावली आने वाली, आज करवा चौथ है, लोगों की खरीदारी के लिए मार्केट में भरमार हो रखी है, और उनके व्हीकल्स वगैरह भी टू व्हीलर्स चूंकि अलाउ है पुरानी मंडी में, टू व्हीलर्स के साथ साथ लोगों ने जो बाजार में अतिक्रमण कर रखा है, तो पैदल चलने में भी बहुत दुविधा उत्पन्न हो रही है। अभी हमारे श्रीमान टाइगर साहब ने भी यहाँ का दौरा किया था, और उनके निर्देशानुसार मैं और SHO कोतवाली साहब, मैं कोतवाली जाप्ते के आज उपस्थित होकर के सारा इनके पूरा भ्रमण किया है, और जो भी सामान है आज तो उनको हिदायत दे करके उनको ही लौटाया गया है। कल कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको 60 पुलिस एक्ट में जब्त किया जाएगा, और कोई अगर हो हल्ला करता है या गलत अगर मतलब अफवाह फैलाता है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपसे अभी दो तीन दुकानदार भी कोई वार्तालाप करिए, कुछ ऐसे व्हाट्सएप करे आपके साथ? अब सब तो कुछ नहीं गए, उनका कहना था कि हमें क्यों हटा रहे हो, हम तो हटाएंगे, अगर आप सड़क पे आओगे, आप अपने हद में रहोगे, हम आपको टच नहीं करेंगे, सड़क पे आओगे तो हम हटाएंगे, आज नहीं हम आगे भी हटाते रहेंगे। वो जो अगर कर रहे हैं वो सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और हा हल्ला माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको निवेदन कर देना चाहती हूँ कि आप पहले से अपने हद में रहिए, इस तरह से आप अगर हो हल्ला करेंगे ना तो आपके खिलाफ ही जाएगा। हम गलत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम सही कार्रवाई कर रहे हैं। जिस पब्लिक के लिए आप कह रहे हो कि हमारा बाजार चले, वो पब्लिक आपके बाजार में तभी आएगी जब आप उसको स्वच्छ वातावरण दोगे, खुला हुआ वातावरण दोगे, वरना वो कहाँ से आके खरीदारी करता है। आज कहते हैं कि हमारे मंदी हो रही है, आर्थिक मंदी हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग लोग इसलिए कर रहे हैं, खरीदारी इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग मार्केट में जगह ही नहीं दे रहे हो ग्राहक को आने के लिए। ग्राहक डरता आने के लिए, चोरी हो जाएगी, पर्स छीन लिया जाएगा, कुछ और हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आपकी जो बाजार है उसको आप व्यवस्थित रखिए।
आप अपने जो नियम कानून है उनको फॉलो करिए। आपकी भी दीपावली है, ग्राहक की भी दीपावली है, पुलिस की भी दीपावली है। हम सब लोग मिलकर एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा त्यौहार मनेगा और बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। क्या करी मैडम आपने? ये पुरानी मंडी मदा गेट से शुरू हुआ है, अभी पुरानी मंडी चौक। मैडम जो सुनीता गुजर की है, अभी उन्होंने पुरानी मंडी में कार्रवाई करी है, क्या है सही है गलत है? आज पुलिस आयुक्त मतलब राष्ट्रदीप जी आए थे, खुद ने पैदल मुआयना किया पुरानी मंडी का। उनने देखा कि यहाँ पर पैदल चलने की जगह नहीं है, तो उसको मार्केट को थोड़ा चौड़ा दिखे और जो लोगों ने अपना अतिक्रमण कर रखा है उसको अंदर समझाइश के जरिए हम लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर समझाइश के बाद भी अगर कोई व्यापारी अगर नहीं हटाता है तो कल सुनीता गुजरनी ने कहा है कि मैं सब किसी का भी अतिक्रमण होगा मैं सब माल समेत उठा के लेके जाऊंगी। सर आप नहीं चाहते हो कि अजमेर स्मार्ट सिटी बने? नहीं, हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम तो अपने बाजार के अंदर और चार चांद लगाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाजार ऐसा हो इसका मिसाल मिले पूरे अजमेर के अंदर। हमने कैमरे भी लगा रखे हैं, ये भी है, आज हमारे चोरियाँ हुई थी उसके बारे में भी हमने राजदीप जी को बोला तो राजदीप जी ने कहा कि हमने चोर को पूरा आइडेंटिफाइड कर लिया। जगह दुकानदार 15-15 फुट निकल जाती है और यातायात में बाधित होता है, गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। आप क्या चाहते हैं कि पुरानी मंडी अच्छी लगे? नहीं, ये तो बिल्कुल आज पूरी पुरानी मंडी का वैसे भी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो अतिक्रमण किया है उनको समझाइश के द्वारा हटवाएंगे, हम खुद आपस में मिलकर कटाएंगे। पुलिस प्रशासन का साथ दोगे आप? पुलिस प्रशासन का पूरा साथ देंगे। आपका नाम? किशन गुप्ता, पुरानी मंडी एसोसिएशन अध्यक्ष।